जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड से है, जहां बोरावड रोड स्थित एक मार्बल प्रतिष्ठान पर भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जबकि मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं श्री गंगानगर सांसद नियाल चंद मेघवाल, चौमू विधायक रामलाल शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष देहात गजेंद्र सिंह ऑडिट, परबसर पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, वासुदेव चावला, भागीरथ चौधरी, मनोहर सिंह रूपरा, रजनी गावड़िया आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। सांसद दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान अब रेपिस्तान बन गया है। चार साल में कांग्रेस सरकार ने जनता को परेशान कर दिया। सबसे अधिक बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं और राज्य बलात्कार की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के विधायक के पुत्र बलात्कार कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, सांसद सुरक्षित नहीं, आम जनता सुरक्षित नहीं, खुद उन्हें ही घर से निकालने में दो बार सोचना पड़ता है। उन्होंने कहा गहलोत सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सोचे, ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रखने का कोई अधिकार नहीं है। युवा जवान किसान जनता कांग्रेस को ऐसा जवाब देगी, फॉर्चुनर तो क्या साइकिल तक नहीं मिलेगी। उन्होंने ज़्यादा पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा है, 16 बार पेपर लीक हुआ है, यह सरकार से मिली भगत से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश सभा को जनता का खूब समर्थन मिला है। कांग्रेस ने अपने हाथों से ऐसी परिस्थितियां बनाई है कि आने वाले चुनाव में इनका एक भी विधायक नहीं जीतेगा। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस को ऐसा जवाब देना है कि दोबारा वोट मांगने की हिम्मत नहीं हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश और जनता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। साथ ही गंगानगर सांसद नियाल चंद मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल में देश को पीछे धकेला, प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। G20 की अध्यक्षता करना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इतने सालों में सबसे घटिया काम हुआ है तो कांग्रेस के राज्य में हुआ है। कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे नहीं किए, बेरोजगार युवाओं कार्मिकों के साथ धोखा किया है। भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान में भरपूर विकास करवाया जाएगा। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कोई भी नेता बड़ा नहीं होता, जनता सबसे बड़ी है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा की योजनाओं को बंद करने का काम किया है। विधायक रूपाराम मोरावतिया ने कहा कि इस जंगल राज की सरकार के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश है वो साफ दिखाई दे रहा है। राजतंत्र में बहुत ताकत है, जनता जिसे चाहे सत्ता में ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की माता को गीत के माध्यम से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सुनीता रांदड़, गजेंद्र सिंह ऑडिट, नारायण सिंह मिंडकिया, मान सिंह किंसरिया सहित भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर ओंकार सिंह किडोलिया, जूसरी सरपंच प्रकाश बाकर, प्रेमा राम मोरावतिया, मनोहर सिंह रूपरा, कल्पना जैन, सबीर अहमद गैसावत, अफजल भाटी, विक्रम सिंह, घनश्याम सोनी, विजय सिंह पलाड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बोरावड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, जयवन राजस्थान न्यूज़।